गुड इवनिंग अंचर। अच्छा चलो, थैंक यू अंचर। चलिए तो गुड इवनिंग गाइस। और भी कुछ लोग जुड़े हैं शायद। बहुत अच्छे हैं अंचर, बस आप लोग की दुआ है। और क्या, आवाज सही से आ रही है ना? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? विजिबल तो मैं हूं, वो मुझे भी दिख रहा है, बट आवाज बता दो। चलो तो देख लेते हैं आज का टॉपिक। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ने वाले थे, है ना? तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी, या नेशनल लेवल पे भी। नमस्ते करें या सर, ये बता दीजिए कि आवाज क्लियर है ना, ऑडिबल है? अच्छा चलिए, मतलब बिल्कुल ऑडिबल है। तो गाइज सबसे पहले इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे स्वागत जनाए अन अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक WB एग्जाम। ओके, और पिक्चर देखकर आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि फेस्टिव सीजन आ चुके हैं, है ना? और शायद परसों ही काली पूजा और दिवाली दोनों ही है, मेरे ख्याल से 14 तारीख को, है ना? तो उसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली हो, आपकी काली पूजा हो, वो बहुत अच्छे से कटे, बस यही मनोकामना करती हूँ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है यूट्यूब चैनल, तो ये किस लिए बनाया गया है? आपके वेस्ट बंगाल, मेनली आपके वेस्ट बंगाल PSC रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके, जल्दी मिल सके, साथ ही साथ प्रिपरेशन आप लोग हर सब्जेक्ट की कर सको। इसके अलावे अगर मैं अपनी बात बोलूं तो नहीं बोलती हूँ क्योंकि सब कुछ तो पता है आप लोगों को, है ना? अन अकेडमी जो है इतनी फेमस क्यों है, अन अकेडमी आप लोग क्यों चूज करोगे? तो गाइज हमरा बोलते पारे जे अन अकेडमी तुम्हारे डेली लाइव क्लासेस दिच्छे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस तुम्हारे दिच्छे। এ ছাড়া টপ এডুকেটর পাচ্ছ, একটা সাবজেক্টেরই অনেকগুলো এডুকেটর, যার পড়া বুঝতে পারবে তার ক্লাসগুলো তোমরা নিতে পারছ। বিশ্বজিৎ গুড ইভিনিং। অ্যান্ড ব্যাচেস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ব্যাচেস। যখনই কোনো ব্যাচ পারচেস করবে এই কোডটা ব্যবহার করবে, PRITI। ওকে, তো আপকো ক্যা মিলেগা? 10% কা ডিসকাউন্ট। তো প্লিজ ইসকো ইয়াদ রাখিয়েগা। বাকি কুছ ইয়াদ রহতা হ্যায় নাহি রহতা হ্যায় কোই বাত নেই, लेकिन इस चीज को याद रखना है आप लोगों को कि जब भी कोई कोर्स परचेस करेंगे तो इस कोड का यूज जरूर करेंगे। ओके चलिए, हमी खूब भालो आची आंसर बेस चोल से बेस ऐटा ही बोलते पारबो एंड चोल वे राइट। চলো, যখন তোমাদের টাইম হবে তখন তোমরা ক্লাস করতে পারছো, ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো বেরিয়ার হবে না। এছাড়া যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে এডুকেটর কে জিজ্ঞেস করবে। এন্ড যে টেস্ট এন্ড কুইজেস তোমরা দাও তার রিপোর্ট এন্ড অ্যানালিসিস পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, তো এইসব তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারছো। এন্ড যখনই কোনো সাবস্ক্রিপশন নেবে, 1, 3, 6, 12 এন্ড 24 মান্থের সাবস্ক্রিপশন নিতে পারছো, কিন্তু এই কোডটা ব্যবহার করবে এটা ভুলবে না। ओके, फॉर यू 10% डिस्काउंट। चलो अब ज्यादा नहीं बोल के हम लोग चले आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम लोगों को आज पढ़ना था, गुड इवनिंग आयान, हम लोगों को आज पढ़ना था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स जो हुए हैं हमारे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, साथ ही नेशनल लेवल पे भी पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, नेशनल लेवल के भी सारे कवर कर लेंगे हम लोग आज, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है ना? चलिए, कौन बनेगा करोड़पति? बट सॉरी, रुपए पैसे जो है वो मैं नहीं दे पा रही हूं, लेकिन आप लोगों को आंसर जरूर देने हैं। अच्छा, तुम तो आया ना ऐसे बोल रहे हो, लग रहे जैसे कि पूरे साल भर का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम कभी आएंगे ही नहीं। चलो अब नाटक का कम करो और क्वेश्चन पे ध्यान लगा दो। वर्चुअल सबमिट ऑफ IBSA फॉरेन मिनिस्टर 2020। चलो फटाफट आंसर करो, जितने लोग यहाँ पे लाइव दिख रहे हो कम से कम आप लोग आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। विश्वजीत, सब बोले देवो विश्वजीत,
ঘাবড়াবে না, টেলিগ্রামে আছো? না থাকলে টেলিগ্রামটা একটু জয়েন করে নাও। ওকে বিশ্বজিৎ। বাট আনসার, ইয়ে নাম তো মে আজ ফার্স্ট টাইম দেখ রি হুম। চলো বতাও আনসার কে হোগা। কনিয়া স্যার কা আনসার আয়া হ্যায় ইন্ডিয়া। তো চলিয়ে বিলকুল ইন্ডিয়া বিলকুল করেক্ট আনসার হ্যায়। চলো আয়ান কা ভি আনসার আয়া হ্যায় এ। চলিয়ে তো বিলকুল সহি ইন্ডিয়া জো হ্যায় বিলকুল করেক্ট আনসার হ্যায়। তো আপকো ইয়াদ রাখনা হ্যায় কি জো ভার্চুয়াল সামিট হুয়া থা কিসকা। অর এক বাত হামেশা হামেশা দিমাগ মে রাখনা কি মার্চ কে বাদ জিতনে ভি সামিটস হুয়ে হ্যায় ইয়া কনফারেন্সেস হুয়ে হ্যায় ও ম্যাক্সিমাম বিশ্বজিৎ বলে দিচ্ছি ও ম্যাক্সিমাম জো হ্যায় ভার্চুয়াল হি হ্যায় ঠিক হ্যায়। ফরবরি জানুয়ারি ফরবরি মে জিতনে হুয়ে হ্যায় ও ইধর উধর হুয়ে হ্যায় বলে দিচ্ছি বিশ্বজিৎ বলে দিচ্ছি। वर्चुअल समिट आई बी एस ए फॉरेन मिनिस्टर 2020 जो है वो आपका इंडिया में हुआ है। और एक बात कि अगर कभी पूछता है कि ये संस्था जो है वो कब स्टैब्लिश हुई है, देन याद रखिएगा आप लोग कि जून 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। चलो देखो विश्वजीत कन्हैया सर ने कमेंट कर दिया है, मतलब बता दिया है। चलिए जून 2003। इसके अलावे और क्या याद रखना है आपको? देखो आई बी एस ए है ना, तो यहीं से आपको कंट्री का नाम भी दिखाई पड़ रहा है। इंडिया हो गया, उसके बाद आपका ब्राजील हो जाएगा एंड साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका। ओके साउथ अफ्रीका। तो प्लीज अब इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आई बी एस ए आपको नाम में ही दिख रहा है कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर है। तो इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका जो है ये एकदम करेक्ट आंसर होगा अगर आपको कंट्री पूछी जाती है। एंड जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने इसको नेग्रेट किया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th G20 कॉन्फ्रेंस 2020। चलो फटाफट आंसर करो, 15th G20 कॉन्फ्रेंस 2020 कोथाय होए छे। चलो आंसर टा करो ए बार विश्वजीत। देखो आंसर नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ चलेगा सब? आंसर आंसर करो विश्वजीत, अयान कन्हैया सर आंसर कीजिए, बाकी लोग जो हैं वो लोग भी आंसर कीजिए। यूएई आंसर आया है अयान का, अच्छा ऐसा है, अच्छा रिम्पा बोले से यूएई। गाइस गलत जा रहे हो आप लोग, यूएई यहाँ करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ सऊदी अरबिया इज करेक्ट आंसर। सूरज एकदम सही, सूरज कुमार बिल्कुल सही आप आंसर बता रहे हो। तो ये सऊदी अरबिया के रियाद में हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको। यूएई में भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है, बट यहाँ पर सऊदी अरबिया इज करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको याद रखना है। और G20 मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 20 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट करती होगी इंक्लूडिंग इंडिया, राइट? तो आपको ये याद रखना है। एंड चले आते हैं इसके अलावे, अगर आपको कभी पूछा जाए कि 14th वाला मतलब 2019 वाला G20 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो फटाक से आंसर करो गाइस। चलो जल्दी से आंसर करो कि 14th G20 मतलब 2019 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ है। चलो फटाफट आंसर करो, क्या होगा यहाँ पे? हमको कोई कमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन कनाडा में हुआ था यान, तुम गए थे क्या? चलिए मैं बता दू है, किंतु 2019 ने तो कोथा हुए छे शेखाने, तो भाया कॉन्फ्रेंस होवे ना 2019 ने, तो पैंडेमिक सिचुएशन टा छिलो ना विश्वजीत। चलो आमी बोले दीची ओसाका। ओके गाइस ओसाका जापान इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है आपको कि ओसाका में हुआ था जापान में। अच्छा ठीक है, तो कनाडा चले जाना, उसमें क्या है। चलिए तो ओसाका जापान इज करेक्ट आंसर। एबर चले आशी जे थीम जो दी जिज्ञेस करे 2020 थीम, तखन तुमरा बोलबे जे इन नहीं सॉरी क्वेश्चन ये है कि इंडिया के तरफ से जो शेरपा मतलब G20 में
सारे जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ना उनको शेरपा बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के शेरपा कौन थे, चलो फटाक से बताओ, इंडिया के शेरपा कौन थे अगर ये पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सुरेश प्रभु, ठीक है। सुरेश प्रभु जो है वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया के तरफ से लीड करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो 22 में होने वाला है G20 कॉन्फ्रेंस, जो 22 में होने वाला है वो कहाँ होगा, चलो अब बताओ वो कहाँ होगा, जो G20 कॉन्फ्रेंस 2022 में होने वाला है वो कहाँ होगा, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से वो कहाँ होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम मिडल वाला तो आपने बताया नहीं, 16th वाला तो बताया नहीं 2021, क्योंकि ये आप लोग बताएंगे इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो अयान का आंसर आ रहा है इटली, तो गलत है बिल्कुल इटली आंसर, यहाँ 2022 की आंसर बात हो रही है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो न्यू दिल्ली है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की बात है, तो प्लीज इसको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो इंडिया में होने वाला है ना इसलिए इसको याद रखना है। एग्जैक्टली रिम्पा, वेरी गुड। आंसर नहीं होगा फ्रांस, गलत है। कन्हैया सर बहुत बढ़िया। अब अगर आपको 21 वाला G20 पूछा जाए तो आपका आंसर जरूर होगा रोम, इटली, ठीक है। अब अयान बोलेगा कि हम तो बोले थे लेकिन गलत जगह पे बोले थे। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है, 46th G7 कॉन्फ्रेंस 2020। तो 46th G7 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 7 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। G20 का मतलब क्या था, G20 का मतलब क्या था, 20 कंट्री वहां पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इसका आंसर बताइए कि 46 G7 कॉन्फ्रेंस 2020 जो है वो कौन से कंट्री में हुई है, चलिए आंसर कीजिए तातरी कमेंट करो गाइस कि अब एखने 46 G7 कॉन्फ्रेंस 2020 कोथाए हुए छे। सिर्फ एक आंसर आया है कनाडा, देखो तुम कनाडा का पीछा ना छोड़ना, ठीक है, गलत रहे तब भी ना छोड़ना। तो चलिए कन्हैया सर आंसर कीजिए क्या होगा, रिम्पा बोलो कि हब एखने, बिल्कुल अमेरिका इज करेक्ट आंसर कन्हैया सर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ पे कनाडा जो है वो हमारा, सॉरी अमेरिका जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। एक बात और मैं बता दूं, 7 कंट्रीज हैं यहाँ पिक्चर में, आपको 8 कंट्रीज नजर आ रही होंगी मेरे ख्याल से। देखो यहाँ कनाडा है, यूके है, यूएसए है, देन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो कौन कौन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है बहुत अच्छे से याद रखना। अब आप लोग बोलोगे यहाँ यूरोपियन यूनियन भी तो लिखा हुआ है, बट ये जो है यूरोपियन कंट्री को लीड करने वाली है, दैट्स वाई इसको यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं करते हैं, और G7 में हम लोग इस 7 कंट्रीज के नाम को ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर यूरोपियन यूनियन का मतलब हुआ कि सारे कंट्रीज को जो लीड कर रहे हैं, इसीलिए वो कंट्री के नाम में ऐड नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको एकदम साफ साफ चीजें बता दी, याद रखिएगा जैसे बताया है वैसे याद रखिएगा। अब एक बार फटाक से बताइए कि 45th वाला जो है, मतलब 45th वाला 2019 में जो हुआ था वो कहां हुआ था, सूरज जापान नहीं होगा, सूरज यहां अमेरिका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बताओ 45th गाइस, 45th G7 कॉन्फ्रेंस 2019, बताइए क्या होगा यहां पे आंसर, आंसर नहीं आ रहा है। चलो मैं बता दूं, यहां पे आंसर बिल्कुल होगा आपका फ्रांस, ओके। यहाँ पे आंसर ना अयान ब्रिटेन नहीं है, फ्रांस इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रांस, ओके। और फ्रांस की भी अगर सिटी बताऊं तो सिटी का नाम है बिटस, ठीक है, बैरिट्स इज करेक्ट आंसर। तो जापान नहीं है आंसर, जापान नहीं है, यहाँ पे फ्रांस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 47th मतलब जो 2021 में होने वाला है। देखो ये सारे कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, G20, एशियन समिट या आपका G7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछता ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 47th मतलब जो होने वाला है, तो
47 G7 कॉन्फ्रेंस 2021 ये कहां पर ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। चलो फटाक से आंसर करो। कंट्रीज के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इस पिक्चर में भी आपको कंट्री के नाम ही मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इटली आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए बाकी लोग भी आंसर कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या है। नहीं करें या सर, बिल्कुल ब्रिटेन करेक्ट आंसर है, तो कंफ्यूज नहीं होइए, बिल्कुल ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या है बता पाओगे आप लोग? किसी को भी अगर पता हो ब्रिटेन के पीएम का क्या नाम है, चलो मैं बता दूं। चलिए ब्रिटेन आंसर बिल्कुल सही है आंसर, बाकी लोग भी आंसर करो। रिम्पा बोलो की हबे खाने आंसर। तो गाइज मैं बता देती हूं, उनका नाम बोरिस जॉनसन है। ठीक है, जॉनसन इसका करेक्ट नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक, ये कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th ब्रिक कॉन्फ्रेंस 2020 ये कहाँ हुआ था? इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, अपने एनवायरमेंट वाला जो करंट अफेयर वाला क्लास था उसमें ये वाला पढ़ा हुआ था। चलो बताओ ब्रिक 12th ब्रिक कॉन्फ्रेंस 2020 ये कहाँ हुआ, आंसर दीजिए सारे लोग। गलत जा रहे हो अयान, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सर सब कुछ इंडिया में थोड़ी हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो मैक्सिमम आपकी बाहर के कंट्री में होती है। रिम्पा एकदम ठीक, रशिया इज करेक्ट आंसर। आंसर चाइना नहीं होगा, रशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए आप लोग याद कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नाम क्या दिख रहा है, बी आर आई सी एस दिख रहा है, राइट? तो आपको अगर कंट्री के नाम पता है तो आपको ये जानने में बिल्कुल सुविधा होगा कि किसके बाद कौन सा आएगा। अगर आपको कंट्री का नाम पता है, तो किसी को कंट्री का नाम अगर पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि कंट्री के क्या क्या नाम है, लेकिन बिल्कुल जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको बताना है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, चलो पहले मैं ये तो बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। एंड अगर आपसे थीम पूछा जाता है तो इसका थीम क्या है, इसका थीम है आपका, थोड़ा लंबा चौड़ा है, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी कॉमा शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ओके, एंड इनोवेटिव ग्रोथ। चलो आतोशी का आंसर आया है, सूरज का भी आंसर आया है, बिल्कुल अयान का भी आंसर दिख रहा है हमको। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कंट्रीज में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो देखो 2020 में अगर रशिया में हुआ है तो 21 में कहाँ होना चाहिए? 2020 में अगर रशिया में हुआ है तो ये जो 2021 वाला पूछ रहा है ये कहाँ होना चाहिए? चलो अब बता दो। अब तो मैंने आप लोगों को हिंट्स भी दिया हुआ है, बोलो क्या होगा। रिजू गुड इवनिंग, चलो आंसर करो की हबे। एक है ने रशिया इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल भारत बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 2021 में कहाँ होगा, बिल्कुल इंडिया में होगा। फिर अगर 22 में जाएंगे तो वो चाइना में होगा, फिर अगर 23 को जाएंगे तो वो फिर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ओके, अब आपको याद रहेगा, मैंने देखो आप लोगों को एकदम सही तरीके से बता दिया कि किसके बाद कहाँ पर होने के होना है ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ब्रिक, सिर्फ ब्रिक के लिए बताया है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
फिफ्थ विम्सटेक, तो विम्सटेक का फुल फॉर्म देखिए यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020। तो अब बताइए, बिल्कुल एकदम रिजू, इंडिया इज करेक्ट आंसर एखने, अंचर रशिया पिछले वाले क्वेश्चन का सही आंसर था, लेकिन उसके बाद 21 वाले का आंसर इंडिया है, ठीक है। चलो एट नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिफ्थ विम्सटेक ये जो 2020 कॉन्फ्रेंस है कहाँ हुआ है। चलो आंसर अयान का आ रहा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका चला गया है। चलिए तो बिल्कुल पहला आंसर है जो बिल्कुल सही है अयान का, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में कहाँ हुआ है, कोलंबो। ओके, श्रीलंका के कोलंबो में ये हुआ है, तो आपको याद रखना है। और विम्सटेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बिल्कुल रिजू ए होबे ना एखाने, डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल कन्हैया सर एकदम करेक्ट आंसर है। तो विम्सटेक में आपके कितने कंट्रीज आते हैं, बिल्कुल 7 कंट्रीज आते हैं, इसको याद रखना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए, क्या हो गया आंसर, इतने कंफ्यूज और सरप्राइज क्यों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, CMS, CMS का फुल फॉर्म सबसे पहले जानना जरूरी, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ओके, COP 13, कॉप का पहले ही मैंने आपको कॉप का फुल फॉर्म बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और सेशन जो है वो 13 होता है, ठीक है। तो इस कॉप को हमेशा जानने का एकदम सही तरीका है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और सेशन उसका 13 है, दैट्स व्हाई इसको कॉप 13 लिखा हुआ है, लेकिन किसका है ये, CMS का है, ठीक है। यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। तो आपको बताना है कि CMS ने जो कन्वेंशन किया है 2020 में किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहां पर इनिशिएटिव इसका लिया गया है। चलिए अयान का आंसर है सी, इंडिया, बिल्कुल कन्हैया सर का आंसर भी चला आया है गुजरात। रिजू बोलते हैं एकदम ठीक रिजू, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13th एडिशन, वेरी गुड। चलो आंसर देखे नहीं, आंसर एकदम ठीक शबर आंसर, तो बिल्कुल आंसर इसका है इंडिया, और इंडिया का कहां, तो कन्हैया सर ने आंसर बिल्कुल बताया हुआ है, रिजू का भी आंसर आया है, तो गुजरात, गुजरात का गांधीनगर, ठीक है। मैंने पूरा एकदम पर्टिकुलर आपको जगह बता दिया, गुजरात का गांधीनगर इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है देख लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कभी थीम पूछा जाता है पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर कभी आपको थीम पूछा जाता है तो उसको याद रखना, थीम का नाम है आपका माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। ओके, वी वेलकम them home, तो हो सकता है कि इतना बड़ा है तो ना भी पूछे, बट फिर भी याद रखने में कोई हर्ज नहीं है अपने लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका मैस्कॉट देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना बर्ड एक, तो ये इसका मैस्कॉट है, और मैस्कॉट को क्या नाम दिया गया, जीबी। ओके, मैस्कॉट का नाम है जीबी, तो जीबी जो है वो क्या है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। इस पक्षी का नाम है बस्टर्ड, तो ये हमारे इंडिया का है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब तुम लोग कुछ और ही प्रनाउंस मत करने शुरू कर देना, ठीक है। चलिए ए विश्वजी देखो नो दी ब्रिक कंट्री ते तुम ही आचो, हमारा एगिए गेछि अनेकटाई। चलो नेक्स्ट देखो, देखो की जिज्ञेस करे छे SCO 2020, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। विश्वजीत एक तो रिफ्रेश करे ना, है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होच्छे, राइट। चलो देखे नी आंसर की होबे एखाने, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो रिजू का आंसर आ रहा है कि ये चाइना में हुआ है, क्योंकि रिजू को पता है कि संघाई जो है वो कहाँ है, चाइना में है ना। लेकिन
लेकिन बिल्कुल कन्हैया सर का आंसर यहाँ बिल्कुल सही है, रशिया इज करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ हुआ है? बिल्कुल रशिया में हुआ है और एकदम सेम जगह पे, सेंट पीटर्सबर्ग इज करेक्ट आंसर। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में ये हुआ है। ओके रिजू, एक बार कंफ्यूज हो ना, একদম ঠিক বলেছো যে সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন, এটা তুমি সাংহাই নামটা থেকে বললে চাই না, বাট মনে রাখবে যে রাশিয়াতে কনফারেন্স হয়েছে 2020। ওকে চলিয়ে তো নেক্সট এক অর চিজ দেখ লেতে হ্যায় ইয়াহাঁ পে কিতনে কান্ট্রিজ হ্যায় ইয়াহাঁ পে আপকো দিখ রহে হ্যায়, তো টোটাল কান্ট্রিজ আপকো ইয়াদ রাখনে হ্যায় কি 8 কান্ট্রিজ হ্যায় ইস সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন মে। কন কন সে কান্ট্রিজ হ্যায় জিসকো সার্কল কিয়া হুয়া হ্যায়, সির্ফ ও কান্ট্রিজ হ্যায়, तो रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, चाइना एंड इंडिया। ओके अब याद रखना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों से अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे कि 8 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। ओके 8 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे, क्या मेंशन कर दे, गवर्नमेंटल हेड, ठीक है, गवर्नमेंटल हेड अगर मेंशन कर देता है, SCO 2020 गवर्नमेंटल हेड्स जो हैं उनका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर चेंज होके हो जाएगा इंडिया। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, SCO की दो मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, ओवरऑल मीटिंग जो है, मतलब अगर आपको कुछ भी इस तरीके का वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ रहता है तो आंसर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया इज करेक्ट, किंतु যদি তোমাদের কোশ্চেনে মেনশন করা হয়েছে যে CSO তে যতগুলো কান্ট্রি আছে তার হেডের, গভর্নমেন্টাল হেডের মিটিং কোথায় হয়েছে, তখন তোমাদের আনসার দিতে হবে ইন্ডিয়া। ওকে সমঝ মে আয়া হ্যায় আপ লোগোকো, কিসি কো কোই প্রবলেম হ্যায়, তো চলিয়ে নেক্সট কোশ্চেন কি তরফ চলতে হ্যায়। নেক্সট কোশ্চেন দেখো ক্যা হ্যায়, ইন্ডিয়া আফ্রিকা ডিফেন্স মিনিস্টার কনক্লেভ 2020, তো তোমাদের জিজ্ঞেস করছে ইন্ডিয়া এন্ড আফ্রিকার, যদি জিজ্ঞেস করে ইন্ডিয়া আফ্রিকার ডিফেন্স মিনিস্টার কা এক মিটিং হুয়া হ্যায় 2020 মে। রিজু রিপিট করব, আমি বললাম যে যদি তোমাদের CSO, সরি SCO, SCO সাংহাই কর্পোরেশন যদি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কিন্তু তোমায় কোশ্চেনে মেনশন করা হয়েছে যে যতগুলো কান্ট্রি, 8টে কান্ট্রি আসে, তো সেটাই বলছি রিজু, সেটাই বলছি যে 8টে কান্ট্রি যে গভর্নমেন্টাল হেড হবে। ওকে জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আমাদের আমাদের এখানে গভর্নমেন্টাল হেড কে, নরেন্দ্র মোদী, হ্যাঁ না, তো বিলকুল নরেন্দ্র মোদি যো হ্যায় ও কোন সে কনফারেন্স মে মিটিং মে গয়ে থে, তো আপকা আনসার হোগা ও মিটিং হুই থি ইন্ডিয়া মে, ঠিক হ্যায়। চলো চলো রিজু, আপ সমঝ মে আয়া, अगर गवर्नमेंटल हेड का मीटिंग पूछ रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा वहां पे इंडिया, एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नी, एग्जैक्टली आतोशी आंसर कोरे फिलिप से, कन्हैया सर का भी आंसर बिल्कुल आ गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आप लोग का हो जाएगा लखनऊ इज करेक्ट आंसर। और बिल्कुल डिफेंस एक्सपो जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पर आपका लोगो जो दिख रहा है उसमें भी आपको हमारा और अफ्रीका पार्ट दिख रहा है, मतलब मैप का पार्ट दिख रहा है, और साथ ही में एक टाइगर दिख रहा है, सॉरी लायन दिख रहा है, मैं भी टाइगर और लायन में कंफ्यूज हो रही हूँ, बताओ। बिल्कुल यहाँ पे लायन दिख रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि कॉप 26 2020 कहाँ होना था, और मैंने तब आप लोगों को बताया था कि ये जो 2020 वाला कॉन्फ्रेंस है वो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है और वो 21 में होगा सेम कॉन्फ्रेंस। तो अब आंसर करो कि कॉप 26 कहाँ होना है, चलो आंसर करो, पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है तो गलत आंसर नहीं आना चाहिए, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। ইউনাইটেড নেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স কপ 26 কোথায় হয়েছে, বি আনসার রিজু করে ফেলেছে, স্কটল্যান্ড ইজ কারেক্ট আনসার, তো চলিয়ে ইয়াদ রাখনা হ্যায় আপকো স্কটল্যান্ড ইজ কা কারেক্ট আনসার হ্যায়, বিলকুল গ্লাসগো স্কটল্যান্ড, ঠিক হ্যায়।
तो याद रखना ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये हुआ होना है, ठीक है, जो 2020 वाला पोस्टपोन्ड हुआ वो 21 में ग्लासगो में होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका थीम अगर पूछा जाए तो थीम भी याद रखना आप लोग, इसके थीम का नाम है फिट। चलो थीम नहीं याद रखना होगा, काफी लंबा चौड़ा है, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड सिटी समिट 2020 जो है वो कब हुआ, चलो आंसर कहाँ हुआ, चलो आंसर करो वर्ल्ड सिटी समिट 2020। सूरज आंसर करो, 13 का आंसर ए दे रहे हो क्या, डिलीट भी कर दिए। चलो बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे, अगर आप लोग 13 का आंसर ए देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिंगापुर इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड सौरभ होश, वेरी गुड रिजू, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वर्ल्ड सिटी सबमिट जो है वो कहाँ हुआ, तो सिंगापुर में हुआ, ठीक है। चलो विश्वजीत एकदम ठीक, कन्हैया सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 19th नाम का फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट इज करेक्ट आंसर। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दूसरी बात की 19th नाम मतलब 2020 में ये नाम जो है, नाम कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ हुआ है, चलो फटाक से आंसर करो कहाँ हुआ है ये, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 19th नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, ओके, कोथाय होयेछे एंड एक्टा इंटरेस्टिंग फैक्ट आमरा बोलबो, रिजु अफगानिस्तान होबे ना, अजरबैजान इज करेक्ट आंसर, अजरबैजान के बाकू में हुआ है, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं तो याद रखिएगा 2019 से लेकर 2022 तक इसका वेन्यू सेम रहने वाला है ना, विश्वजीत इंडिया होबे ना। चलो गाइज मोने राखबे, এবার মনে রাখবে 2019 থেকে 22 অবধি প্রত্যেকটা নাম কনফারেন্স কোথায় হবে, আজারবাইজান বাকুতে হবে, ওকে। तो वेन्यू फिक्स हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 4 साल के लिए हमको सेम नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है योगा महोत्सव मतलब योगा फेस्टिवल, तब मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको पूछा जा रहा है सिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन हो रही है ना ये इंटरनेशनल योगा डे, मतलब 21 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बताओ कहां सेलिब्रेट किया गया था, आंसर करो। पीटा को नोतुन सुन ले, एशियन कंट्री तो भी, चलो आंसर करो गाइज आंसर करो। सिक्स इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन कहाँ हुआ है, आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी, चलो मैं आंसर करूं। सौरभ का आंसर आया है श्रीनगर, नहीं श्रीनगर नहीं होगा, यहाँ पर लेह इज करेक्ट आंसर, ओके। और लेह जो है वो किसका कैपिटल है, तो गाइज अब लद्दाख का कैपिटल है लेह, ओके, याद रखिएगा लद्दाख का कैपिटल है यहाँ पर लेह है। रिजू सेटाई बोललाम, प्रीवियस क्वेश्चन टारी आंसर दिए थे, चलो आंसर नेक्स्ट देखे नी। अब आपको याद क्या रखना है, श्रीनगर नहीं होगा सूरज, श्रीनगर नहीं होगा, ले इज करेक्ट आंसर, ले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56th म्यूनिक सिक्योरिटी समिट, तो 56th म्यूनिक सिक्योरिटी समिट कहाँ हुआ था, ये बहुत ही ईजी है, नाम में ही आपको आंसर दिख रहा है, तो चलो आंसर करो क्या होगा, नाम में ही आंसर है, म्यूनिक सिक्योरिटी समिट जो है वो आपका कहाँ हुआ है या कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, चलो आंसर करो। देखो नाम एकदम सामने दिख रहा है, म्यूनिक जर्मनी में ही हुआ होगा,
क्योंकि ये बिल्कुल म्यूनिक सिक्योरिटी समिट है या कॉन्फ्रेंस है, तो म्यूनिक में ही ये हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखना है, तो सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्या पूछा है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल पूछा है। तो ये फेस्टिवल वाला चीज जो है, हम लोगों ने फेस्टिवल वाले चैप्टर में कवर किया था, तो अब बताओ आंसर क्या होगा। एकदम ठीक सुदीप सरकार, एकदम ठीक मोलिना विश्वजीत। चलो आंसर करो कि हबे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल पूछ रहा है। फेस्टिवल पहले वाला था कि हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन कहाँ किया था, स्पेशल प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज किया था, वो था ले। यहाँ पे आंसर देहरादून कैसे हो जाएगा कन्हैया सर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, गलती नहीं होनी चाहिए थी। ऋषिकेश इज करेक्ट आंसर, देहरादून उत्तराखंड नहीं, ऋषिकेश उत्तराखंड, ठीक है कन्हैया सर, ऋषिकेश उत्तराखंड होगा करेक्ट आंसर। मोलिना ऑप्शन नंबर डी होवे ना, मसूरी होवे ना, बाकी बात शब भाई सुदीप आतोशी एंड रिजू सूरज सबने सी किया हुआ है, तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋषिकेश में आपका परमारथ निकेतन, ओके, ये आश्रम का नाम है परमारथ निकेतन, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं जहां पे हम लोगों ने थीम पढ़ी थी, याद है आप लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की हम लोगों ने एक थीम पढ़ी थी, योगा एट होम विद फैमिली, ठीक है, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट से सेवेंथ मार्च तक यह सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडो बांग्ला टूरिज्म फेस्टिवल, या इसको लिखा हुआ रहता है भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव, ठीक है। तो आप लोग चलिए आंसर कीजिए क्या होगा, सारे लोग किधर चले गए, चलो आंसर करो, फर्स्ट इंडो बांग्ला टूरिज्म फेस्टिवल या फिर आपका फर्स्ट भारत बांग्ला पर्यटन। चलो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आतोशी, वेरी गुड। तो अगरतला इज करेक्ट आंसर, अगरतला में ये सेलिब्रेट किया गया था ना, डी ढाका होबे ना, एखाने ढाका होबे ना, एखाने आंसर होबे अगरतला, ओके। तो 20 and 21 February 2020 এটা সেলিব্রেট করা হয়, দেখো এখানে জায়গার নাম লেখা আছে, যদি ভালো করে দেখতে পাচ্ছ তো আগরতলা ইজ কারেক্ট আনসার। মলিনা ঢাকা হবে না বাবু, এখানে আনসার হবে আগরতলা, ওকে। চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখে নি, নেক্সট কোশ্চেন তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে ইন্টারন্যাশনাল জুডিশিয়ারি কনফারেন্স 2020, তো ইন্টারন্যাশনাল জুডিশিয়ারি কনফারেন্স 2020 বলো কোথায় হয়েছে, চলো ফটাফট আনসার করো কহাঁ হোগা ये इंटरनेशनल जुडिशरी कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ हुआ है, जिसका थीम मैं आपको लोगों को बता रही हूं, आप लोग आंसर बताइए। तो इसका थीम था जुडिशरी एंड आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, अच्छा बाकी लोग भी आंसर करो। बैंगलोर नहीं होगा, न्यू दिल्ली, आतोशी का आंसर यहाँ बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। मोने राग बेज जो दी इंटरनेशनल जुडिशियरी कॉन्फ्रेंस 2020 जिज्ञेस करा है, आंसर हमारे हो जाए न्यू दिल्ली। क्यों होबे, कारण सुप्रीम कोर्ट इटा ऑर्गेनाइज करे, इंडियार सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज करे, सेजोने एखाने आंसर हो जाए तुम्हारे न्यू दिल्ली। तो যদি আমি বলতে চাই যে থিম কি, তাহলে থিম তোমরা মনে রাখবে যে জুডিশিয়ারি অ্যান্ড চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড ইজ কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট দেখে নি, মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ইয়ার 2020, মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ইয়ার 2020 কো কহাঁ সেলিব্রেট কিয়া গয়া, মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ইয়ার 2020। চলো জলদি সে আনসার করো ক্যা হোগা ইয়াহাঁ পে, মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস 2020, কংগ্রেস এর মানেও, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি রিজু, সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে মনে রাখবে, এক্স্যাক্টলি সৌরভ, সব কিছুর পিডিএফ পাওয়া যাবে, ভাবরাবে না।
चलो देख लेते हैं आंसर। यहाँ आतुषी का आंसर आ चुका है एंड आतुषी का आंसर बिल्कुल सही, बार्सिलोना इज करेक्ट आंसर। तो बार्सिलोना जो है वो कहाँ है अगर आपसे पूछता है, तो आंसर क्या होगा, स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन के एक शहर का नाम है बार्सिलोना, यहाँ पर ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हम लोगों से। 9th इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल 2020, तो 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल 2020 कोथाय हुएछे। चलो आंसर करो कि हबे एखाने 9th इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल पूछ रहा है, चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल। तो बहुत इजी आंसर है और हम लोग सारे यहीं से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल आतुषी, वेरी गुड। तो गाइस कोलकाता इज करेक्ट आंसर, ना मुंबई होबे ना एखाने, कोलकाता इज करेक्ट आंसर। आमी बोललाम आमरा सबाई एखान थेके बिलोंग करी, तो बिल्कुल 9th इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल कोथाय होयेछे, 2020 कोलकाताय। ओके, मने राखबे कोलकाता। नेक्स्ट चले आसो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 बोलो कोथाय होयेछे, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो बोलो कि हबे एखाने आंसर, आंसर बता दो क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 कहाँ हुआ है, 2020 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो कहाँ हुआ है। इसका थीम मैं आप लोगों को यहाँ लिख दे रही हूँ, थोड़ा बड़ा है, टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग। आंसर आ रहा है, कुछ डी है और कुछ आंसर बी है। तो आतुषी डी, रिजू डी एंड सौरभ घोष बोले थे बी। तो गाइज डी इज करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको याद क्या रखना है, इसका थीम था टूवर्ड्स 2030 गोल्स। बिल्कुल अंकिता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मेकिंग द डिकेड काउंट, मेकिंग द डिकेड काउंट। ओके, तो ये थीम का नाम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछ रहा है। देखो यहाँ पर थीम का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट पूछा है आप लोगों को, चलो नेक्स्ट पूछा है कि 12th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस पूछा है, एशियन कॉन्फ्रेंस नहीं पूछा है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा सही से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे, 12th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, 12th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, 12th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। अंकिता बोले छे ऑप्शन नंबर ए, একদম ম্যাক্সিমাম যতগুলো কনফারেন্স এইসব হয়েছে কোথায় হয়েছে, আমাদের ইন্ডিয়ার নিউ দিল্লিতে হয়েছে। কানিয়া স্যার ইয়া কলম্বো নেই হোগা আনসার, রিজু কলম্বো আনসার হবে না, आंसर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। मैक्सिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम भारत में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो सारे न्यू दिल्ली में हुए हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि मार्च के बाद सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो जाहिर सा बात है नेता हमारे कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, इसका थीम क्या बोला गया, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, रीजनल परसेप्शन बाय रीजनल परसेप्शन। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ये आपका थीम हो गया। और एम्बेसडर कौन है उस टाइम पे, तो सुजन आर चिनॉय इज करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछता है इंडिया का एम्बेसडर जो है साउथ एशियन कॉन्फ्रेंसेस में, तो आपको याद रखना है सुजन आर चिनॉय। ओके, किंतु अगर आपको पूछता है, लेकिन अगर आपको पूछता है कि किसने इसको संबोधित किया था, एड्रेस किया था, देन आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीटिंग को एड्रेस किया था। ठीक है, मीटिंग को एड्रेस किया था, संबोधित करना होता है ना कि एक पर्सनालिटी जो है वो पहले भाषण देगी, उसके बाद सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु मेले देवा संभव नय। ओके, एबार देखो तुम्हें कौन की कोरे देबे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24th इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड मेगा साइंस एग्जीबिशन, आपको नाम याद रखना है साइंस समागम, ओके आपको नाम याद रखना है साइंस समागम। चलो आंसर बोलो आगे की होबे एखाने, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, साइंस समागम के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे बताइए क्या होगा। बिल्कुल नहीं कन्हैया सर, इसका आंसर भी सेम ही होगा। मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि मैक्सिमम जो है कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुए हैं, तो न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। ओके लिंकटा क्रिएट कर ले तो देबो रिजू। चलो तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। रिजू शॉप पे जाबे, ओके घबरा बे ना, शॉप परीक्षार आगे शॉप पे जाबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, एक आतोशी कोलकाता होबे ना, आतोशी कोलकाता होबे ना, विज्ञान समागम जो है वो आपका न्यू दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शोमिता रिजू और नीरज बहुत बढ़िया, अंकिता गलत हो गया है, कोलकाता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2020, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2020 जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। देखो ये जो इंटरनेशनल महोत्सव सरस्वती महोत्सव है ना, वो हर साल हरियाणा में होता है, ठीक है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, हर साल ये हरियाणा में ही होता है। अब आपको बताना है कि ये 2020 में कहाँ हुआ है, ठीक है 2020 में ये कहाँ हुआ है। चलिए आंसर कीजिए, अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आदि ब्रादी इज करेक्ट आंसर। ये एक जगह है हरियाणा का आदि ब्रादी बोलकर, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ना रेवारी नहीं है इसका आंसर, रेवारी नहीं है रिजू, रेवारी हो बिना, आदि ब्रादी इज करेक्ट आंसर। तो इस बार हरियाणा, हरियाणा जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2020 ऑर्गेनाइज करती है वो आदि ब्रादी में इसको सेलिब्रेट की है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ बाइनियल, बाइनियल मतलब दो वर्षीय जिसको बोलते हैं, ठीक है टू इयर्स जिसको बोलते हैं, तो पल्सेस कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2020 किसके ऊपर हो रहा है, पल्स के ऊपर, दाल के ऊपर, दाल के वैरायटीज को लेकर। तो आपको बताना है कि फिफ्थ बाइनियल पल्स कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2020 कोथाय हुए छे। हाँ कुरुक्षेत्र का ही ये जगह है कन्हैया सर, कुरुक्षेत्र का ही ये जगह है, बिल्कुल कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है ना वहां पे, तो उसका एक पर्टिकुलर जगह का नाम मैंने आप लोगों को बताया है। चलो आंसर करो, आंसर करो, फिफ्थ बाइनियल पल्स कॉन्क्लेव 2020 कॉन्फ्रेंस। चलो तात्री करो, तात्री आंसर करो, शोभिता आतोशी अंकिता आंसर करो की हबे, रिजू नीरज कन्हैया सर आंसर कीजिए क्या होगा। सौरभ घोष आंसर करो कि अबे, अच्छा नागपुर आंसर आ रहा है रिजू का, लेकिन नागपुर जो है वो बिल्कुल नहीं होगा आंसर, नागपुर होबे ना शोमिता, नागपुर होबे ना, त्रिची नहीं होगा सूरज, आंसर यहाँ पे होगा पुणे। ओके पुणे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मोने राघबे फिफ्थ बाइनियल बाइनियल पल्स कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2020 कोथाय होयेछे, पुणे ते। आरेकटा कथा बोले दी, যদি তোমাদের কখনো জিজ্ঞেস করে যে কে অর্গানাইজ করে, তাহলে দেখো এখানে একটা নাম দেখতে পাচ্ছ যেটা লেখা আছে IPJA। ওকে তো যদি IPJA এর ফুল ফর্ম বলতে চাই তাহলে ইন্ডিয়া, ওকে ইন্ডিয়া পালসেস গ্রেন অ্যাসোসিয়েশন, ঠিক আছে याद रखना है आपको ইন্ডিয়াস পালসেস গ্রেন অ্যাসোসিয়েশন इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवेंथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन, ठीक है आपसे पूछ रहा है कि इंडिया रीजन का कॉमन सेवेंथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है। हाँ बिल्कुल नीरज फुल फॉर्म एकदम ठीक है।
चलो नेक्स्ट का आंसर करो, सेवेंथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कोथाय हुए चे, इंडिया रीजनेर कॉन्फ्रेंस टा कोथाय हुए चे। चलो तातरी करे कमेंट करो की हबे एखाने, आंसर नहीं आ रहा है। चलो मैं कर दूं आंसर यहाँ पे। तो गाइज लखनऊ इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर जो है वो आपका लखनऊ होगा। लखनऊ में ये कॉमनवेल्थ सेवेंथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है इसको, इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। और हाँ, अगर आपसे पूछता है इनॉग्रेट किसने किया था, स्टार्ट, एग्जैक्टली लखनऊ इज करेक्ट आंसर, स्टार्ट किसने किया था, तो बाई ओम बिरला। ओम बिरला कौन है ये शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल दे रही हूँ कि ये हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। ओके एकदम ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शोमिता नीरज आतोशी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फर्स्ट माउंटेन फेस्टिवल 2020, फर्स्ट माउंटेन फेस्टिवल पूछ रहा है, तो मदर बोले दीजिए एटा फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फर्स्ट स्पोर्ट फेस्टिवल जेटा आइसर ओपर ऑर्गेनाइज करा हुए छे। ओके जो कि बर्फ में ऑर्गेनाइज किया गया था, एग्जैक्टली स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो गाइज फर्स्ट माउंटेन फेस्टिवल 2020 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में पहली बार बर्फ पे स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है चलिए बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इस फर्स्ट माउंटेन फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है। तो एकदम ठीक है खाने आतोषी चक्रवर्ती, एकदम ठीक, गुलमार्ग इज करेक्ट आंसर। तो गुलमार्ग जो है वो कहाँ है, जे एंड के में है ये गुलमार्ग। ठीक है अब हम लोग आते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपको पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा हमारी एक गोल्फर हैं जिनका नाम है सानिया शर्मा। ठीक है हमारी एक गोल्फर है जिनका नाम है सानिया शर्मा, गोल्फर है ये। तो हमारी तो इस फर्स्ट माउंटेन फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया शर्मा। ओके अब याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सानिया शर्मा जो है एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव। तो पोटैटो कॉन्क्लेव, थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इंडिया के कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया ये बताओ। चलो जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। आंसर नहीं आ रहा है, चलिए तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ना बी हबे ना एखाने रिजू, एखाने आंसर हबे एग्जैक्टली आतोषी गुजरात, बिल्कुल सही। गुजरात का जो गांधीनगर है ये भी यही हुआ है, गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पे सेलिब्रेट किया गया है पोटैटो कॉन्क्लेव। और अगर आपको पूछता है पोटैटो रेवोल्यूशन, तो आपको याद रखना होगा कि राउंड रेवोल्यूशन मतलब पोटैटो रेवोल्यूशन। ओके राउंड रेवोल्यूशन मतलब पोटैटो का रेवोल्यूशन, नहीं बी नहीं होगा कन्या सर, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, गुजरात होगा इसका सही आंसर, गांधीनगर में ही इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है तो देख लो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसको इनिशिएट कर रहे हैं, एग्जैक्टली राउंड रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 साइंस कांग्रेस 2020, 107 साइंस कॉन्फ्रेंस 2020। तो सूरज ऑप्शन नंबर डी नहीं, उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, गांधीनगर गुजरात। ओके चलिए आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सारे लोग, क्या होगा यहाँ पे आंसर। 107th इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 पूछा है, तो आतोषी बोले थे बेंगलुरु, तो एकदम ठीक, बेंगलुरु इज करेक्ट आंसर, याद रखना है बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर है। नहीं मुंबई नहीं होगा यहाँ पे आंसर, बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में है, ये आप लोग को पता है, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि थीम क्या था, तो थीम हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है
थीम देखो यहाँ लिखा हुआ भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ओके देखो यहाँ पे थीम लिखा हुआ है येलो कलर से जो लिखा हुआ है ये है थीम। तो इसको याद रखना है आपको कि 107 का थीम क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। एक और बात, अगर आपसे पूछा जाता है 108 तो आपका आंसर क्या होगा, अगर साइंस कॉन्फ्रेंस 108 पूछा जा रहा है 2021 में जो होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कहाँ होगा, ये पुणे में होगा, ये पुणे में होगा। ओके मने रखबे जे पुणे ते हबे आर एर थीम की हबे सेटाओ तोमादेर बोले दिच्छी एखोनी। थीम होए जाबे एटार सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है वोमेन एम्पावरमेंट। तो मोने रखबे एखाने 108/2021 पुणेते हबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेछे 50th WEF एनुअल मीटिंग 2020 कोथाय होयेछे। चलो तातरी करे आंसर करो 50WEF एनुअल मीटिंग कोथाय होयेछे, एनुअल मीटिंग कोथाय होयेछे। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे क्या होगा आंसर। Anyone? मुझे एक भी आंसर नहीं दिख रहा है, मतलब कमेंट नहीं आ रहा है एक भी। चलो आंसर हम कर दे क्या, चलो रिजू का आंसर यहाँ पे आया हुआ है तो देख लेते हैं। बिल्कुल स्विट्जरलैंड इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कभी आप लोगों को स्विट्जरलैंड का पर्टिकुलर जगह पूछता है देन डेवोस इज करेक्ट आंसर। डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ है एंड जखनी तुम्हारे 51st जिज्ञेस करछे 51st जिज्ञेस करछे 2021 এ যেটা হবে সেটা স্বিজারল্যান্ডেই হবে। কিন্তু দেখো সিটির নাম আলাদা, লুসার্ন, লুসার্ন স্বিজারল্যান্ড। ঠিক আছে चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जैक्टली डावोस में हुआ है 51টা बोले फिलेची 51টা रिजू देखो बोले फिलेची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जिज्ञेस करेछे 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। 5th पूछ रहा है आप लोगों को 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020। चलो आंसर बताओ क्या होगा, 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहाँ हुआ। चलो बताओ कहाँ हुआ है ये 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020। 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 एग्जैक्टली रिजू एटा एकदम ठीक। गोवा इज करेक्ट आंसर। सूरज ए गुजरात नहीं होगा, आतुषी एकदम ठीक, गोवा इज करेक्ट आंसर। तो गोवा के पंजी में ये हुआ है। ओके तो दृश्यम आप लोगों को याद है तो इसको याद रखिएगा, साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है वो पंजी में हुआ है, राइट, गोवा में। तो नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4th प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ हुआ है। चलो बताओ फटाक से आंसर करो, 4th प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेशनल कॉन्फ्रेंस कोथाय हुए छे। चलो 33 रा आंसर करो गाइस, 33 रा आंसर की हबे, एखाने पर्टिकुलर सिटी एर नाम देवा आछे, स्टेट जिज्ञेस करेनी, सिटी एर नाम देवा आछे। जोधपुर आंसर आसछे, आतोशीर आंसर एकदम ठीक, उदयपुर इज करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल राजस्थान का जो उदयपुर है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 22nd इंडिया नेशनल इंटरनेशनल सी फूड शो। तो जो समुद्री मछली वगैरह या इंसेक्ट वगैरह जो हम लोग खाते हैं, जो प्रॉन है वो इंसेक्ट ही तो है। तो गाइस सी फूड शो 2020 कोथाय हुए छे बोलो, 22nd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 कोथाय हुए छे। चलो आंसर की हबे बोलो, चलिए बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। रिजू बोले छे केरला, वेरी गुड रिजू, एकदम ठीक आंसर, केरला बिल्कुल सही आंसर है। तो केरला के कोची में ये हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, केरला का कोची जो है इसका करेक्ट आंसर है। थीम अगर पूछता है तो थीम में क्या बोलेंगे, जब यहाँ पर हम लोग को सी फूड बोल रहा है तो हम याद रखेंगे ब्लू रेवोल्यूशन को, ब्लू रेवोल्यूशन को याद रखिएगा आप लोग। तो ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन
टू वैल्यू एडिशन तो कम से कम इनिशियली आप लोग अगर याद रखते हो ब्लू रेवोल्यूशन तब भी आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th डेफ एक्सपो मतलब क्या हुआ, डिफेंस एग्जीबिशन की बात की जा रही है। डेफ एक्सपो का क्या मतलब हुआ, डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। तो 11th डिफेंस एग्जीबिशन जो है वो कहां पे लगाया गया, एग्जैक्टली ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन और टू वैल्यू एडिशन। चलो एकदम ठीक आतोषी आंसर करे फिलिस्ट्री ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लखनऊ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखना है आप लोगों को, एंड इसका थीम क्या होगा, तो थीम होगा आपका इंडिया The emerging defense manufacturing, Next question है National Water Conference 2020। तो National Water Conference 2020 को था हुए से। बिल्कुल पिछले वाले का आंसर शोमिता कन्हैया सर एकदम सही आंसर है। तो चलिए इस बार का आंसर कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। রিজু বেশিরভাগ থিম তোমাদের এখান থেকে জিজ্ঞেস করে না, থিম তোমাদের জিজ্ঞেস করে যে আগের ক্লাসে পড়েছিলাম না এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, মানে যোগাদের থিম কি হয়েছে, ওয়াটারডের থিম কি হয়েছে, তো এইসব বেশিরভাগই জিজ্ঞেস করে। ওকে রিজু, तो चलो भोपाल इज करेक्ट आंसर, यहाँ इंदौर नहीं होगा, भोपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है आपको भोपाल में ये नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 हुआ है। नेक्स्ट है बायो एशिया समिट 2020 तातरी करे बोलो तो जे कोथाय ऑर्गेनाइज करा हुए छे। बायो एशिया समिट 2020, तो बायो एशिया समिट जो है वो 2020 का कहां ऑर्गेनाइज किया गया है। Anyone? चलो फटाक से आंसर करो क्या होगा। थीम मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ, टुडे फॉर टुमारो। चलो आंसर करो क्या होगा, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। रिजूर आंसर इज शेप बी, शोमिता बोले छे हैदराबाद। चलो तो एकदम हैदराबाद इज करेक्ट आंसर। बायो एशिया समिट जो है, बायो एशिया समिट ये आपका कहाँ हुआ है, बिल्कुल हैदराबाद में हुआ है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बायो एशिया समिट हैदराबाद, एकदम ठीक आतुषी नीरज बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 78th वर्ल्ड साइंस फिक्शन कन्वेंशन, ठीक है कन्वेंशन। तो 78th वर्ल्ड साइंस फिक्शन कन्वेंशन जो है वो आपका कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया। चलो फटाक से आंसर करो क्या होगा यहाँ पे। चलो आतोषी शोमिता नीरज रिजू आंसर करो, कन्हैया सर क्या हो गया आंसर नहीं आ रहा है अब, बाकी लोग भी आंसर करो, सूरज आंसर करो क्या होगा। स्वीडन बोल छे, रिजू बोल छे स्वीडन। चलो देखिए आंसर की हो जाबे ताहले, आंसर एखाने हो जाबे न्यूजीलैंड। ओके मोने राखबे न्यूजीलैंड इज करेक्ट आंसर, एक्जैक्टली शोमिता न्यूजीलैंड होबे एखाने आंसर। आर न्यूजीलैंड एर कोन जायगाटा, तो आंसर हो जाबे वेलिंगटन। ओके वेलिंगटन, कलकत्ता वाला नहीं न्यूजीलैंड वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। दूर दूर तक अता पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बस ये सारी चीजें जो है इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि कभी ना कभी अगर आप इस चीज को देखेंगे ना तब भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ ये चीज हमने इस क्लास में देखा हुआ था। तो बस इसलिए है, आप देखते चलिए इन चीजों को, सुनते चलिए,
बिल्कुल एग्जाम में अगर आता है तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आंसर करिए, पंजाब आंसर आ रहा है, रिजु का आंसर आ रहा है पंजाब। नहीं, पंजाब का भाई कौन है? पंजाब का भाई कौन है? हरियाणा है ना, कोई शक है इसमें? देखो दोनों का कैपिटल सेम होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे हरियाणा इज करेक्ट आंसर। अभिजीत एकदम ठीक, हरियाणा एकदम ठीक आंसर। तो गाइस याद रखना है, हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरियाणा का भी अगर कभी जगह पूछता है तो फरीदाबाद, ओके फरीदाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर थीम स्टेट पूछता है, देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे थीम स्टेट अगर पूछता है तो मेरा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का थीम स्टेट क्या था? हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग आते हैं, पार्टनर कौन था, मतलब इंडिया के साथ और किस कंट्री ने यहाँ पर पार्टनरशिप निभाई थी? तो मोने राग भे गाइज, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान इज करेक्ट आंसर। अगर पार्टनर पूछता है तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट करने वाले हमारे हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। तो वैक्सीन जो है टीकाकरण के लिए भी एक ग्लोबल समिट को किया गया था, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट बोलकर 2020 में। अब बताओ कि आंसर क्या होगा, ग्लोबल वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 कोथाय हुए छे, कौन कंट्री ते हुए छे? चलो तातरी करे बोलो एखाने की हबे। बी आ रहा है आंसर यहाँ पे, नहीं करें यहाँ सर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है, यूएस नहीं होगा यहाँ पे आंसर, आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है। चलिए बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, एकदम ठीक अभिजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले से 36th, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। पहले जो आपको G7 G20 साउथ एशिया मिला था, उसके साथ साथ ये जो 36th ACN है, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब बताइए कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, 2020 का एशियन समिट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? चलिए फटाक से आंसर कीजिए, यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका थीम भी याद रखना, ठीक है, थीम मैं लिख दे रही हूं, याद रखना, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। चलो आंसर करो, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आया है अभिजीत का आंसर, शायद ए नहीं, पिछले वाले का आंसर ए आया था। चलो यहाँ पर रिजू का आंसर है बी, अभिजीत का आंसर है बी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वियतनाम इज करेक्ट आंसर। एंड वियतनामेर कोथाय, तो जदि जिज्ञेस करे ताहले मने राखबे हनोई, वियतनामेर हनोई इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखे नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बोले छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कलाम कन्वेंशन 2020, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, चलो फटाक से आंसर करो, कलाम कन्वेंशन 2020 कौन शहरे ऑर्गेनाइज करा हुए से, तातरी करे बोल बे, एंड एक टू भेबे ने बे जे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद कोथाकार लोक छिले। रिजु ए हबे ना एखाने, हायदराबाद इज करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली साउथ इंडियन छिलेन, हायदराबाद तेलंगाना ते हुए छे, कलाम कन्वेंशन हायदराबाद तेलंगाना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड इसको इनॉग्रेट करने वाले कौन थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना रिजु, एक्चुअली हमें बोलम जो साउथ इंडियन, ताहले साउथ इंडियन साउथ एर कतगुलो ओइखाने ऑप्शन छिलो तो, কিন্তু আমি দেখিনি যে কোচিও অপশনে ছিল, চলো কিন্তু আনসার ওইখানে কি হয়ে যাবে, হায়দ্রাবাদ। নেক্সট কোশ্চেন, ফার্স্ট এভার গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট 2020, ফার্স্ট এভার গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট 2020, চলিয়ে জিসকো পতা হ্যাঁ ফটাফট আনসার করতে চলিয়ে,
फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020। चलो मैं बता देती हूँ उसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा JNK, जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा तो घबराना नहीं है। 14th नेक्स्ट आ जाते हैं, 14th एशिया ईस्ट एशियन समिट 2019 पूछा है यहाँ पे, ठीक है 2019, 20 वाला नहीं हुआ है। तो 14th ईस्ट एशियन समिट 2019, चलो आंसर करो यहाँ पे क्या होगा। आंसर इसका बता दो क्या होगा, 44 का आंसर, 14th ईस्ट एशियन समिट 2019 को था वैसे स्विट्जरलैंड हबे ना इखाने रिजू आंसर। थाईलैंड इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर है। एंड थाईलैंड का भी अगर मैं जगह बताऊं तो बैंकॉक, ठीक है बैंकॉक जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज। तो रेज का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। एटा कोथा है वैसे, ये वाला कहा हुआ है आपका रेज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल हबे एखाने एक टू एडजस्ट कर लियो, तो सोशल एम्पावरमेंट 2020 कोथाय होयेछे, तो आंसर तुम्हारे हो जाबे ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। तो ये भी आपका कहा हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड जेंडर इक्वालिटी समिट, जेंडर इक्वालिटी समिट जो है वो कहाँ हुआ है, तो बिल्कुल इसका आंसर भी सेम है, एकदम अलग नहीं है, न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड जेंडर इक्वालिटी समिट 2020 भी अगर पूछता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिज्ञेस करेछे जे विंग इंडिया 2020, विंग इंडिया 2020 कोथाय होयेछे, चलो आमरा एटाओ देखेनी। विंग इंडिया 2020 अगर आपको पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पिछले वाले का आप लोग आंसर कर रहे हो मेरे ख्याल से, है ना, चलो कोई बात नहीं। 47 का आंसर अब किसी को देना है तो आप लोग 47 वाला दीजिए, क्या होगा आंसर, चलो तातरी करे बोलो जे 47 एर आंसर की होबे। 47 ए बोलछे, रिजू बोलछे सी। चलो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अच्छा 47 एर सी, चलो तो एकदम ठीक, 47 एर सी इज करेक्ट आंसर, हैदराबाद इसका बहुत ही सही आंसर है। एंड हैदराबाद का भी अगर मैं जगह बताना चाहूं, एकदम ठीक हैदराबाद इज करेक्ट आंसर। तो गाइज आंसर हो जाबे बेगमपेट, ठीक है बेगमपेट ये जगह का नाम है, हैदराबाद का एक जगह है, यहीं पर आपका विंग इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 23rd पर्शियन गल्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 23rd पर्शियन गल्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोथाय होयेछे, चलो तातरी करे आंसरटा करो की हबे, 48 एर आंसर करबे, ओके 48 का आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे 23rd पर्शियन गल्फ इंटरनेशनल, गल्फ इंटरनेशनल, चलो आंसर हो जाबे एखाने ईरान, ओके ईरान इज करेक्ट आंसर, ईरानेर कोथाय तेहरान, ईरान का कौन सा जगह तेहरान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिज्ञेस करेछे फर्स्ट ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, फर्स्ट 48 एर सी, अच्छा 48 एर सी होबे ना, 48 एर ए होबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की जिज्ञेस करेछे फर्स्ट ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ईरान, बिल्कुल नीरज पिछले वाले का आंसर ईरान ही है। 49 का आंसर बोलो, फर्स्ट ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट पोजिशन है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया की बात करते हैं तो इंडिया का 9th पोजीशन है, और इंडिया का जो सिक्किम है वो पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक है, राइट। तो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है इसका भी आंसर क्या है, न्यू दिल्ली, याद रखना है आपको। एंड यदि थीम जिज्ञेस करे ताहले मने राखबे अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल, ओके अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल,
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट बोला है 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट. 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये कहां हुआ है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कोथाय होए छे, होए जाबे आंसर यूएई. ओके यूएई अबू धाबी दे. ओके यूएई के अबू धाबी में ये हुआ है. बिल्कुल इसका सही आंसर होगा. तो आपको याद रखना है और आप लोगों को मेनली जो मैंने आपको बताया कि एशियन साउथ एशिया इसके अलावे आपका एकदम ठीक अभिजीत रिजू नीरज. नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं. अगर 51st फिल्म फेस्टिवल पूछता है तो आंसर हो जाएगा गोवा. ओके नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस जो जिज्ञेस करें मुंबई. 5th ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस नागपुर. ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2020 न्यू दिल्ली. तार थीम की छिलो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस ऑन पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो एटारो आंसर हो जाबे न्यू दिल्ली. फर्स्ट गंगा वोल्गा. गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलियंस सिविलाइजेशंस 2020 न्यू दिल्ली. देखो मैक्सिमम सारा न्यू दिल्ली में ही है तो आप लोगों को कंफ्यूज होने वाला बात नहीं होना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट है ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल ज्योति जिज्ञेस करे ताहले गैंगटॉक सिक्किम. 24th नेशनल कन्वेंशन ऑफ रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा. नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस ज्योति जिज्ञेस करे न्यू दिल्ली. 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल अगर पूछता है कोची केरला. इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, मैंने आप लोगों को बोला था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है इसलिए आप लोग याद रखेंगे उसको. तो बिल्कुल यहाँ पर देखो उसका थीम भी लिखा हुआ है कि जुडिशियरी एंड चेंजिंग वर्ल्ड. ठीक है नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन हेड ऑफ स्टेट समिट. तो ये आपका अदीस अबाबा में इथोपिया में हुआ है. ठीक है नेक्स्ट है 25th कॉन्फ्रेंस स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ. तो ओटावा में हुआ है ये, ओटावा कनाडा में. नेक्स्ट है 14th इलेक्ट्रामा अगर पूछता है तो नोएडा में हुआ है. नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन ग्लोबल इंडियन थॉट. तो ग्लोबल इंडियन थॉट आईआईएम कोझिकोड केरला. नेक्स्ट इंडियन मेडिकल डिवाइस गांधीनगर और नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन न्यू दिल्ली. ठीक है तो बिल्कुल अब हम लोग कब मिलेंगे, तो अब हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे 18th को. ठीक है 18th नवंबर को हम लोग YouTube पे मिलने वाले हैं. लेकिन और एक बात आप लोग सुन लो, उसके बाद आप लोग क्लास को लीव करना. 18th नवंबर को हम लोग कौन से टॉपिक के साथ मिलेंगे, रिवर एंड सिटी के साथ मिलेंगे. ठीक है रिवर और उसके पास में बसे हुए सिटीज के साथ मिलेंगे. और एक बात मैं आपको बता दूं, तो बीच में आप लोगों का जो क्लास लाइव नहीं होगा सिर्फ, बट रिकॉर्डिंग क्लासेस आते रहेंगी. और उन रिकॉर्डिंग क्लासेस में आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को उन रिकॉर्डिंग क्लासेस में करंट अफेयर के टॉपिक्स ही मिल रहे हैं. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ. 15 को आप लोगों को मिलेगा, 15th नवंबर को जो रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी वो होगा आपका कंपनी एंड सीईओ. ओके 2020 अपडेटेड. 16 को जो मिल रहा है वो आपका होगा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है एंड 17th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17th वाले में आपको 6 टॉपिक कवर मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 टॉपिक कवर मिल रहे हैं. तो 17th नवंबर को जो रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है वो है स्टेट एम्बेसडर. ठीक है स्टेट एम्बेसडर, लेकिन सिर्फ स्टेट का एम्बेसडर उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसमें आपको सीएम गवर्नर कैपिटल फाउंडेशन डे और साथ ही साथ आपका और भी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा देख लेना, याद नहीं है मुझे. तो गाइज इतना इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगा. ठीक है अच्छा हाँ हाई कोर्ट और उसका चीफ जस्टिस आपको मिल जाएगा. ठीक है तो याद रखना है और अपनी दिवाली बहुत अच्छे से कटानी है. ठीक है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट. तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड काली पूजो प्रीति और शुभेच्छा. सब बहुत बढ़िया से अपना त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो. बिल्कुल आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रिपरेशन के चक्कर में आप लोगों को तैयारी आप लोगों को एंजॉय नहीं करना है. तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी काली पूजा. ओके रिजू छठ पूजा तो एक देरी आछे, तार आगे एक दिन आमरा देखा करबो 18 ओके 18 को हम लोग मिलेंगे, उसके बाद छठ पूजा है. ठीक है तो दिक्कत नहीं है, उस दिन वापस से हम लोग बोल देंगे है ना.
चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एंड एक कोडटा यूज करबे, कोडटा व्यवहार करबे फॉर योर 10% डिस्काउंट PRITI। तो आज के जोने एखानी शेष, थैंक यू सो मच। ओके Riju, आई एक्सेप्टेड। ओके चलो, तो याद रखना है आपको क्या, नेक्स्ट 18 को हम लोग लाइव क्लास में मिल रहे हैं, बट उसके बीच में आपको 15, 16, 17 तीन आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी सेम टाइम पे 6 PM। तो घबराना नहीं है, उसको भी देखते रहना है। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 40-45 मिनट का वीडियो होगा, बस एक लास्ट वाला वीडियो थोड़ा 1 घंटे का है। तो आप लोग तो वैसे भी एक्सपर्ट हो, मतलब स्मार्ट हो चीजों को देखने में, हैंडल करने में टेक्नोलॉजी को। ओके तो चलिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी काली पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंड स्टे होम स्टे सेफ एंड सोशल डिस्टेंसिंग को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली Riju, एपे निश्चय क्लास आछे, एपर क्लास बंद नहीं, एपर क्लास शुद्ध 14 बंद थाकबे, 14। ओके सिर्फ 14 नवंबर को ऐप वाला क्लास बंद रहेगा, उसके अलावे हर दिन ऐप वाला क्लास रहेगा। ठीक है, चलो ऐप वाले क्लास में मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।